एक ट्राली ते एक पास मिलूगा। बहुत बड़ी समस्या है, पिंडा चो लेबर नहीं जाती, डरी हुई आ और एदा कोई हल नहीं हा। जे किसानी ना बचा सके ता मेरे ख्याल दे विच देश मारिया जाऊगा। किते करोना तो खतरनाक भुखमरी दे छट्टे ना आ जाण सामने। 365 दिनां दी कमाई एक बार किसान टुट गया ता मुड़ के कदे ठीक नहीं हो सकदा। 20 तरीक तो बाद ऐसे सिट्टे तुहाडे ओड़े ने सामने के किसान ने तबाह होना शुरू हो जाना है। माणियो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जरा किसानी वाल ध्यान दवो, इकल्ले वीडियो कॉलां जां फिर बयाना नाल गल नहीं चलनी, थोड़ा जिहा आप इंटरेस्ट लेना पैना। जी हां, इन्हां गल्लां दा प्रगटावा कीता स्क्रीन ते नजर आ रहे किसान आगू दा, जिसने लाइव होके जिमीदारां दे हालातां तों जाणू तां करवाया है, ते नाल ही पास वाले सिस्टम नूं बंद करन दी गल भी आखी है। ए नहीं नहीं, इस किसान आगू ने तां आउण वाले समय विच कोरोना तों अलावा खतरनाक भुखमरी बीमारी का भी खदशा जाहिर किया। मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, थोड़ा जा किसानी वल ध्यान दो, कल्ला वीडियो कॉलां नाल जां फिर बयानां नाल गल नहीं चलनी है, थोड़ा जा आप इंटरस्ट लेना पैना है। देखो, थोड़ी सरकार ने एक हुक्म दागिया कि पास बनणगे कल्ली कल्ली ट्राली मंडी दे विच आवे। अज जिमीदारां दे हालात देखो कैप्टन साहब कित्थे खड़े आ। एक पासे अज 16 तरीक हो गई मंडी, जिहड़ी वाढी आ उह कल तों शुरू होई आ, जदके पहला हर साल हुंदा सी वी 1 तरीक तों वाढी शुरू हुंदी सी, तकरीबन 15-16 तरीक नूं नेड़े लग जांदी सी। पर वड्डी समस्या आ रही है कैप्टन साहब के पासां दा हुक्म जारी करता, एक ट्राली ते एक पास मिलूगा, बहुत वड्डी समस्या है, पिंडा चो लेबर नहीं जांदी, डरी हुई आ और इहदा कोई हल नहीं हा। बहुत वड्डा नुकसान होना, जे किसानी ना बचा सके ता मेरे ख्याल दे विच देश मारिया जाऊगा। जे किसानी ना बच सकी ता भुखमरी शुरू हो जू, किते करोना तो खतरनाक भुखमरी दे छट्टे ना आ जाण सामने। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इस गल ते तुहानू बहुत गौर करनी पैणी आ कि पास वाला सिस्टम बंद करके जिहड़ा कंडा जिहड़ा तोल आ उह फरसी कंडा रखिया जावे। ट्रालियां जाण, कोई अपने सैलर च टिकावे आड़ती आ जां होर जिथे तुसी टिकाणे बनाए ने। जिहड़ा तुसी कहा सी कि पंजाब दे विच 4000 मंडियां दा इंतजाम करता, मैनू किते नहीं दिख रहा, मैनू की किसे किसान नूं नहीं दिख रहा। बहुत वड्डी समस्या कैप्टन साहब, एक जिमीदार एक गरीब मजदूर किसान पूरे साल दी कमाई आ खेतों दे विच खड़ी आ। तुसी अज देख लो 21 दिन दा लॉकडाउन सी, 21 दिन दे विच चाहे कोई प्राइवेट सैक्टर, चाहे कोई इंडस्ट्री वाला, चाहे कोई व्यापारी, हर बंदा रोड ते आ गया, हर कह रहा कि मेरा घाटा पूरा किया जाए। पर किसान जिदा एक साल का 365 दिनों की कमाई एक बार किसान टुट गया तो मुड़ के कदे ठीक नहीं हो सकता। कैप्टन साहब, मेहर करो, कृपा करो किसानों ते कि फरसी कंडा लागू करो ता जो ना दी नाल जिहड़ी मंडियां च फसल जावे। दूजी बेनती कैप्टन साहब, आ तुसी वेखो फसल बिल्कुल अज पक के बिल्कुल बल्लियां टुट के करन दे किनारे आईयां होईयां ने। कैप्टन साहब, एक थोड़ी सरकार ने, थोड़ी अफसरशाही ने, थोड़े कैबिनेट ने एक फैसला दागता कि 8 बजे तो लैके शाम 8 बजे तक कंपाइनां चलणगियां। हुण तुसी आप दसो, थोड़ी सरकार ने फैसला दागता कि 30 अप्रैल तो बाद तूड़ी वाले रीपर चलणगे। कैप्टन साहब, पहली गल तां मशीनां गुजरात चों, हरियाणे चों, MP चों, राजस्थान चों पंजाब च हुण आउणियां सी, उधरों लॉकडाउन होण करके जिथे खड़ियां ने उत्थे मशीनां रुक गईयां। पंजाब दे विच की हालात ने, हरेक पिंड दा जे किसे पिंड दा मन के चलो 2000 एकड़ दा रकबा तां मशीनां 2 ने। हुण तुसी दसो कि 8 बजे तो शुरू हो के शाम 8 बजे तक किन्ने किले बढ़ूगी इक मशीन, 30 तों 35 एकड़ तां किन्ने दिन लगणे आ। आ सीजन जे पासां वाला, जे कपाइनां वाला, जे तूड़ियां दे रीपर वाला फैसला ना लिया ता 3 महीने लटक जू। कैप्टन साहब, आ उपर दी तारां ने देखो किवें बिछियां होईयां ने, इह इन्नी फसल सुक चुकी, 20 तरीक तो बाद ऐसे सिट्टे तुहाडे ओड़े ने सामने कि किसान ने तबाह होना शुरू हो जाणा है। लखां एकड़ फसल इह मचणी है कैप्टन साहब, जे गौर ना कीती, क्योंकि आपां नूं हर बार पता है कि जदों थोड़े जे करचे उपर लंघ जाण तां मचणे शुरू हो जाणदे ने। 20 तरीक तो बाद सिट्टे दे जिहड़े ने बहुत खतरनाक
ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚੂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਆ ਅੰਨ, ਜੇ ਆ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਜਾਊ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।